विमल कोठारी, स्याड़ा के सरपंच हूँ और मेरे गांव में काम काज सब चलते हैं और गांव वाले सहयोग देते हैं। हमारे यहाँ पर शासन की जो जनकल्याणकारी और विभिन्न योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है, वो सभी योजनाओं का प्रसार प्रसार भी ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसे लिया जाए रोजगार गारंटी योजना। रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत ने अभी तक 2006 से अभी 2012 तक लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि के कार्य कराए हैं, जिसमें ग्रेवल रोड, स्टाफ डैम्स, बोरी बंधान और विभिन्न कार्य किए गए हैं। कपिल धारा कूप 28 कूप निर्माण किए गए हैं और इसके बाद में इंदिरा आवास योजना में अभी तक 28 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है और अभी तक 94 से अभी तक लगभग 500 हितग्राहियों को इसका लाभ दिया गया है। पेंशन योजना में विभिन्न पेंशन योजनाओं को मिलाकर यहाँ पर 265 हितग्राही है, जिनको लगभग 65,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है और शासन की समस्त योजनाओं का प्रसार प्रसार और ग्रामीणों का भी इसमें ग्राम पंचायत के पंच सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय एवं पंचों का भी इस ग्राम पंचायत को पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और समय समय पर ग्रामीणों द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाता है और कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यह अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पर डिलीवरीज हो रही हैं। यहाँ पे स्टाफ में सारे सदस्य हैं, स्टाफ नर्स है, 2 ANM है, MPW है, ड्रेसर है और चौकीदार है। मुझे पंचायत द्वारा व्यवस्थाएं संपूर्ण यहाँ पे दी गई हैं। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला पाल है। मैं उप स्वास्थ्य केंद्र सिहाड़ा में NM के पद पर कार्यरत हूँ और हम शासन द्वारा जो योजनाएं संचालित होती है सभी ग्रामीणों को समझाते हैं और सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम समय समय पर पूर्ण करते हैं और हमें गांव वालों का, ग्रामीण जनता का, पंच और सरपंच का पूरी तरह से सहयोग मिलता है। मेरा नाम नफीसा बी है। मैं ग्राम सिहाड़ा में आशा कार्यकर्ता हूँ। मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्य जननी एक्सप्रेस को फ़ोन करके बुलाना, प्रसव करवाना, LTT केस करवाना, OPN TT करवाना और अपने स्वास्थ्य विभाग में हमें सभी अधिकारियों का भी पूर्ण सहयोग है। गांव में सरपंच और सचिव का भी मुझे और ग्रामीण जनता का भी पूरा सहयोग मुझे है और मैं अपने ग्रामीण जनता के हित के लिए हमेशा अपने कार्य करने में समक्ष रहती हूँ। BS मंडलोई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिहाड़ा में 22/4/99 से पदस्थ हूँ और तब से आज पर्यंत हमारी शाला निरंतर जो है प्रतिष्ठा प्राप्त करती रही है। साथ ही मैं जब से आया हूँ इस ग्राम पंचायत एवं ग्रामीण जनों का मुझे अपार सहयोग प्राप्त हुआ है और किसी प्रकार की भी कोई समस्या होती तो इमीडिएट जो है मुझे सहयोग मिलता है, जैसा सहयोग चाहता हूँ सहयोग मिलता है। मेरा नाम गुंजा है। मेरे को पेंशन मिलती है विकलांग, मेरे को 5-6 महीने की और मैं सबको धन्यवाद। मेरी उम्र 66 वर्ष की है और मुझे वृद्धा पेंशन मिलना चालू पंचायत द्वारा मिल रही है तो मैं पंचायत का और सबका मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे आज वृद्धा अवस्था के समय सहारा मिल रहा है मुझे। मैं ग्राम सियाड़ा की निवासी हूँ। मेरे को पिछले 2 महीने से विधवा पेंशन मिल रही है और मैं सरपंच, सचिव और सारे ग्राम पंचायत का निवासी का धन्यवाद। सियाड़ा की निवासी भाई हूँ, बस्कर भाई। तो बोले पंचायत से मैं ये हाथ जोड़ती हूँ, निवेदन करती हूँ कि बेचारे उन्होंने मेरे को रहने के लिए आसरा के लिए। नेहा लाड़ है और मैं यहाँ के ग्राम पंचायत और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्हें मेरे बच्चों को लाडलक्ष्मी योजना का सरपंच सचिव की मदद से मुझे कपिल धारा का लाभ मिला, जिसमें मुझे 1,12,000 रुपये स्वीकृत राशि हुई और पहले मैं एक ही फसल ले पाता था, अब कपिल धारा कुएं होने के कारण मुझे दोनों फसलें मिलने लगी।